तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और यह वीडियो नॉन हिंदी का रहेगा, क्लास टेंथ के लिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह से सबसे ज़्यादा क्लास टेंथ में जो नॉन हिंदी बच्चे जो लिए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उनके लिए इससे सबसे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यह जाने कि आखिरकार इस लेसन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है और आखिर ये कौन सी कहानी है और ये कहानी इतना इंटरेस्टेड क्यों है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक ये कहानी लिखे हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित का मतलब एक बालक की मानसिक स्थिति जो होता है, बच्चा किस तरह सोचता है, ठीक है, बच्चा कितना समझदार होता है या किस पर डिपेंड करता है। कोई बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, कोई बच्चा बहुत ही बदमाशी वगैरह करता है, झगड़ा करता है, आखिर क्यों। तो ये टोटल इसमें बता है कि ये पूरे पूरे के पूरे माहौल पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस माहौल में पला बढ़ा है, ये पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं कैसे। देखिए, लेखक का नाम है प्रेमचंद, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और यह एक कहानी है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है, निबंध है कि कहानी है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। यहाँ देखिए, इस पर चर्चा किया गया है, अभावग्रस्त जीवन बाल मन को व्यस्त की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी कि अगर एक बच्चे के पास किस बहुत सी चीज़ों की कमी है, एक एक रुपए उसको मुश्किल से मिलते हैं, तो वो एक बड़ों की तरह सोचेगा। जैसे कि बड़े लोग सोचते हैं एक एक रुपए अपने सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह खर्च करते हैं, वैसे ही एक छोटे बच्चे को अगर बहुत सारी चीज़ की कमी है और उसे कहीं से पैसा मिल जाता है, तो उस पैसा को सोच समझ के खर्च करेगा। ये पैसा हम कहाँ खर्च करें कि यहाँ से कुछ हमको फ़ायदा हो, फालतू में वो खर्च नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा बड़ों की तरह सोचना, वयस्क का मतलब होता है बड़ा, बड़ों की तरह सोचना शुरू कर देता है। देखते हैं कैसे। इस कहानी को ना मूवी की तरह हम लोग समझेंगे। जिस तरह फिल्म में कुछ लोग हीरो एक तरफ होते हैं और उसके पक्ष में जो भी होता है और कुछ लोग विलेन के तरफ होते हैं, उसी तरह से ये कुछ हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस कहानी में देखिए नायक वगैरह कौन कौन है। इसमें एक हामिद नाम का लड़का है, ठीक है। इनके माँ बाप नहीं है, मतलब हैजे की बीमारी से इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इस सदमे को इनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक है, और कुछ दिन के बाद वो भी नहीं रहती है, मतलब इस दुनिया में नहीं रहती है। और इनका पालन पोषण इनकी दादी अमीना करती हैं, ठीक है। अमीना इनके पालन पोषण के बाद से बहुत ही वो सोचती है कि इतने छोटे उम्र में, ठीक है, ये बच्चा इतना सिंसियर होते जा रहा है। देखिएगा कैसे, ठीक है, पूरी कहानी आपको सुनने के बाद पता चला है कि ये लड़का कितना समझदार है, ठीक है। तो 30 रोजे के बाद, यहाँ हम लिख दिए हैं कि रमज़ान के 30 रोजे के बाद से ईदगाह जाने की तैयारी शुरू थी। 30 रोजा जैसे भी है तो लोग ईदगाह जाते हैं, ईदगाह जाने की तैयारी शुरू थी। और जो अमीना थी इनकी दादी, ये सोच में पड़ी हुई थी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। और हामिद जो है अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार था कि दोस्तों के साथ जाएंगे। और इस बात का एक और इनको टेंशन था कि इतना छोटा बच्चा, 4 और 5 साल का बच्चा, अकेले 3 कोस जमीन पैदल कैसे चलेगा। 3 कोस समझते हैं, लगभग 9 किलोमीटर अकेले पैदल चलना 4-5 साल के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल का काम होगा। ये सोच रही थी, बहुत टेंशन में थी। फिर हामिद आके कहता है, दादी तुम घबराओ नहीं, हम सबके साथ बहुत जल्दी ही चले आएंगे। ये चीज़ मतलब सोचते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने गार्जियन के साथ यानी माता पिता के साथ जा रहे थे और इनके तो गार्जियन थे नहीं हामिद के, ठीक है। देखिएगा, इनके कुछ दोस्त भी हैं जैसे महमूद, मोहसिन और नूरे, ठीक है। ये लगभग अच्छे फैमिली से आते थे, थोड़ा सा पैसे वाला घर के थे ये, ठीक है, और ये बहुत ही गरीब था, ठीक है। जब ये लोग वहाँ गए तो वहाँ पे मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, ठीक है, लोग बाहर निकले, सजदा वगैरह करने के बाद एक दूसरे से गले मिले, बाहर निकले, और निकलने के बाद से सारे लोग मेले में घूमने के लिए एकदम एक्साइटेड थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब चौकन्ने थे और घूमने के लिए तैयार थे। सारे लोग कुछ लोग खिलौने खरीदने लगे, कुछ लोग मिठाइयाँ खरीदने लगे, मतलब खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर तो भीड़ लग गई, मतलब नमाज के बाद। यहाँ देखिए, अब ये सारे बच्चे भी मेला घूमने के लिए जाने लगे। महमूद, मोहसिन और नूरे, इनके बारे में जाने। सबसे पहले ये लोग गए मिठाई के दुकान पे, नहीं सॉरी, सबसे पहले ये लोग खिलौने के दुकान पर गए तो यहाँ देखिएगा, जो आपका हामिद है उसके पास बहुत ही कम रुपए था, यानी कि इसके पास लगभग 3 पैसा था, महमूद के पास लगभग 20 पैसा था और मोहसिन के पास 15 पैसा था।
ठीक है, इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था और इसके पास 3 पैसा था, तो ये सोच समझ के खर्च करना चाहता था। इन लोगों ने जा करके बहुत सारे खिलौने खरीदे, ठीक है, वहाँ पे हामिद देख के सिर्फ ललच रहा था क्योंकि खिलौना काफ़ी महंगा था, दो पैसे के लोग खिलौने खरीद लिए थे। तो इन लोगों के पास तो कुछ पैसा बचता, लेकिन हामिद के पास कुछ नहीं बचता, 1 पैसा बचता। ये सोचा कि खिलौने हम क्यों खरीदें, अगर खिलौने खरीदेंगे गलती से भी हाथ से छूट जाएगा तो टूट जाएगा, या फिर पानी उस पर अगर पड़ जाए, ठीक है, तो ख़राब भी हो जाए, क्योंकि पहले मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे। तो इस सब सोच करके हामिद क्या करता है, खिलौना नहीं खरीदता है। लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि मतलब हम उस खिलौने को थोड़ा सा छूते टच करते, लेकिन छोटे बच्चे अगर है, इनके दोस्त ही है तो छोटे बच्चे ही हैं, तो खेलने के लिए नहीं दे रहे थे। वैसे भी नया खिलौना कोई भी बच्चा किसी को छूने नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ठीक है, अब देखिए कि महमूद ने क्या खरीदा है, सिपाही खरीदा है, मोहसिन ने भिस्ती। भिस्ती क्या होता है, तो मशक से पानी भरने वाले, मशक का मतलब होता है कि मांस, समझ रहे हो, जैसे चमड़ा का बना हुआ कोई एक बर्तन, ठीक है, उसे पानी भरने वाला खरीदा। नूरे को वकील बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मतलब एक मिट्टी का गुड्डा वकील जैसा बनाया गया था वो एक खरीदी, ठीक है। हामिद अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे ये लोग खरीद लिए, अंदर अंदर इसको मन तो कर रहा था खेलने के लिए, लेकिन ये बच्चे इनको खिलौना नहीं दे रहे थे। फिर कुछ देर के बाद से ये लोग मिठाई के दुकान पर गए, और दुकान पर जाने के बाद से इन तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई, ठीक है। वहाँ भी हामिद सोचा कि मिठाई खरीद ले, लेकिन मिठाई भी बहुत महंगा था क्योंकि इसके पास 3 पैसे ही थे, ठीक है। तो ये फिर सोचा अपने मन को संतुष्टि पाने के लिए, अपने मन में ये सोचा कि मिठाई क्या है, बस जीभ का स्वाद थोड़ा सा आ जाएगा, फिर उसके बाद से इसका कोई महत्व नहीं है। तो जीभ का स्वाद आता है फिर ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें खरीदे जो नुकसान भी नहीं करे, ठीक है, और उसको हम रख सकते और काम का चीज़ है। देखिए परिस्थिति ने इसको किस तरह सोचना सिखा दिया है। इस बच्चे का भी मन है कि ये मिठाई खाए, ये खिलौनों से खेले, लेकिन परिस्थिति ने इसको ऐसे बना दिया है, ठीक है, कि हर काम सोच समझ के कर रहा है, एक बड़ों की तरह, वयस्क की तरह सोचना सीख गया है, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद से मिठाई खाने के बाद से ये लोग मिठाई खा लिए, ये हाथ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं कि बच्चा ऐसे आगे करके फिर पीछे खींच ले रहे थे, मतलब एक लालच दे रहे थे उसको बार बार, ठीक है। कुछ देर के बाद से जब और आगे बढ़े तो लोहे का दुकान था, लोहे की दुकान पर ये लोग सोचे, ये कौन कौन बाबू, तो महमूद, मोहसिन और नूरे, ये लोग सोचे कि हम लोगों का कौन सा काम है लोहे की दुकान पर, यहाँ तो कोई खाने और खेलने वाली तो चीज़ें हैं नहीं। लेकिन वहाँ पर हामिद रुक गया और उसको चिमटा दिखा एक, ठीक है, वो घर में देखा था कि जब भी उसकी दादी रोटी बनाती हैं तो तावे पर से रोटी पलटने के बाद, ठीक है, उनका हाथ जल जाता था। तो अपनी दादी की सुरक्षा के लिए, ठीक है, वो जा करके और वहाँ से एक क्या खरीदा, चिमटा। काफ़ी दुकानदार से मोल भाव करने के बाद से दुकानदार 3 पैसा में चिमटा देने के लिए तैयार हो गया और अपने दादी के सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए चिमटा खरीद लिया। जब चिमटा खरीद के अपने दोस्तों के पास गया तो सारे दोस्त उस पर हंसने लगे और बोले कि ये चिमटा कौन सा खिलौना है, इसका क्या काम है। तो अपने खिलौने को बहुत अच्छा बताने के लिए वो बोला कि खिलौने से क्या नहीं हो सकता है, कंधे पर रख लो तो बंदूक हो जाएगा, ठीक है, और फकीर का चिमटा जो फकीर बजाते हैं, ठीक है, वो भी चिमटा का काम आ जाएगा, बहादुर शेर की तरह लड़ेगा, तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं अगर उससे ये चिमटा टकराएगा मेरा, ठीक है, ये जो मेरा खिलौना है, तो तुम लोगों का पूरा जो भी खिलौना है वो सब चकनाचूर हो जाएगा, सबको बर्बाद कर देगा, इतना मजबूत है मेरा चिमटा, ठीक है। अब सारे बच्चे सोचने लगे, अरे यार इसका मतलब हम ही खराब खरीद लिए हैं, का हमको भी चिमटा ही खरीदना चाहिए। अब सब बच्चे इससे जिद करने लगे। एक समय था, देखिए समय का बदलाव, कि खिलौना इसको अच्छा लग रहा था तो वो लोग नहीं दे रहे थे, अब बोल रहे थे बदल लो ना हमसे, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बोला कि नहीं हम बदले क्यों, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से इसको मन था कि खिलौना से खेले, ठीक है। और ये चीज़ एक चीज़ और सोच करके ये खिलौना खरीदा था कि अगर घर पे जाएंगे तो जब हम दादी को देंगे तो दादी काफ़ी खुश होंगी, हमको दुआ देगी, और बड़ों की दुआ डायरेक्ट खुदा मतलब भगवान सुनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सोच करके, ठीक है, हामिद ने ये सब चीज़, और अगर दादी गांव में लोगों से कहेंगे कि बताइए कि मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा खरीद के लाया है, तो लोग भी काफ़ी दुआ देंगे कि वाह कितना अच्छा सोच का है, एक मेरा लड़का है जो हमेशा खेलने कूदने में और पैसा बर्बाद करने में रहता है। ये सब चीज़ एक बड़ों की तरह सोच रहा था, ठीक है, उसके बाद ये सोचने के बाद ये चिमटा खरीदा था। जब वो वहाँ से घर गया और घर जाने के बाद से
उसकी दादी बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ कर आई, ठीक है, और उसे गोदी में मतलब कि उठा करके और गले लगा ली। तीन मील अकेले चल के आना बहुत बड़ी बात है एक 4 साल के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब वो आई तो देखी कि इसके हाथ में चिमटा है, तो थोड़ा सा गुस्से में हो गई कि ये तुम क्यों खरीदते हो, इसका क्या काम है, तुम अपने लिए खिलौना ले लेता। तो बोला कि नहीं दादी, जब हम देखते हैं कि तुम रोटी बनाती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है, इसके लिए हम चिमटा खरीद करके ला दिए, ठीक है। ये चीज़ सुन करके उनकी दादी काफ़ी भावुक हो गई, काफ़ी ऐसा लगा कि वो रो देंगी कि इतना छोटा बच्चा, इसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ को इग्नोर करके दूर करके और सिर्फ मतलब कि ऐसा सोचा कि मेरे लिए काम का चीज़ लाया, नुकसान पैसा नहीं किया। कोई भी बच्चा एक छोटा सा, अगर मान लीजिए कि सभी बच्चे को खेलने का मन करता है, सभी बच्चे को मन करता है कि हमारे पास भी खिलौना होता, लेकिन परिस्थिति उसको बदल देती है कि उसे क्या करना चाहिए। इस कहानी में बस यही था, पूरी की पूरी कहानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटे बच्चे कैसे वयस्क की तरह सोचना शुरू कर देंगे, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।